सुप्रभा ने किया घर में तमाशा, रसम पूरी करने से किया इनकार। मेहंदी वाला घर शो की कहानी बेहद इंटरेस्टिंग हो रही है। शो में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। ऐसे में मनीषा और करण की शादी को लेकर घर में रस्में शुरू हो चुकी है, तो वही सुप्रभा है जो कि रस्में पूरी करने से कर रही है इनकार और हो रहा है घर में तमाशा। क्या हुआ आप भी देखे। मेहंदी थाप की रस्म तो हो गई है ना? हाँ हाँ वो तो हो गई, लेकिन हमारे घर में एक और रस्म। अब बताओ इनके अलग चोंचले हैं, बताइए क्या बाकी रह गया? वो लड़की की सास को ना हम ये दिलाते। क्या जहर है इसमें? अरे सुबह जी ये तो बस नमक वाली चाय है। चाय में नमक? हाँ सुनकर भी हमें तो उल्टी आ रही है। वो क्या है ना, हमारे यहाँ की मान्यता है कि लड़की की सास एक ही बार में ये नमक की चाय कटक जाए ना तो लड़का लड़की की नजर उतर जाती है। क्या बोले जा रही है, दिमाग खराब है क्या इनका? वाह देखा कुछ भी बोल रही है, देखती रहिए मैम। वियो नहीं जाने नहीं देंगे, ऐसा लग रहा है आशीर्वाद देने नहीं अपनी ऐसी तैसी कराने आई हूँ मैं। अरे पी लीजिए सुप्रभा जी, तभी लगेगा आपने मनीषा और करण को सुख शांति का आशीर्वाद दिया है। टेंशन की तो और फाइनली हुए भी ना, फाइनली देखा मैम आपने पति को अपने लोग। अब फिल्टर कितना एक्साइटेड है इस आने वाले एपिसोड को लेकर हमें कमेंट कर जरूर बताएं। शो से जुड़े तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए बाजूका के साथ बने रहें।